उत्तराखंड टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन की एक आपात बैठक हरिद्वार के ललितारोपुर स्थित कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष उमेश पालीवाल ने की। बैठक में मुख्य रूप से संरक्षक संजय चोपड़ा सम्मिलित हुए। टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन ने बैठक के माध्यम से राज्य सरकार से कुछ मांगे की गई है। देखिए, ये बड़ी विडम्बना है। जब जब हमारे उत्तराखंड के अंदर चारधाम यात्रा शुरू होती है, तभी कुछ ना कुछ तुगलकी फरमान लेकर के सरकारें और ब्यूरोक्रेसी हमारे बीच में आ जाती है। आज ये जो पैनिक बटन का मुद्दा लेकर के सरकारें आई हैं, ये केवल एक या दो वाहन को नहीं, इस उत्तराखंड के अंदर लगभग 50,000 वाहन संचालित होते हैं जो यात्रियों को सुविधाएं देते हैं और चारधाम यात्रा कराते हैं। चारधाम यात्रा कोई ऐसा नहीं है कि साल भर चलती हो, सिर्फ 2 से 3 महीने चलती है, बारिशों में चारधाम यात्रा बंद हो जाती है। लेकिन जिस रूप से हमको ये थोपा जा रहा है, पहले 2,000 रुपये में 3,000 रुपये में ये चीज़ लग जाया करती थी, लेकिन आज इसका लगभग 15,000 रुपये चार्ज कर दिया गया है, तो ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से, अगर सरकार ने इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लिया, या हम लोगों को ये गिफ्ट की तरह एक बार प्रथम दृष्टया हम लोगों को इसको समझाया जाए और गिफ्ट की तरह हम लोगों को दिया जाए, अगर ये नहीं करा, क्योंकि अभी तक पूरे देश के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर ये लागू नहीं हुआ है, केवल उत्तराखंड ही मिलता है। और चारधाम यात्रा पे हम केवल ट्रैवल व्यवसायी ही मिलते हैं इन लोगों को उत्पीड़न करने के लिए, ये उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में अगर हमें चारधाम यात्रा रोकनी पड़ी तो प्रत्येक ट्रैवल व्यवसायी, प्रत्येक मोटर व्यवसायी चारधाम यात्रा रोकने का काम भी करेगा, आंदोलन करने का काम भी करेगा। मैं फिर आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ परिवहन मंत्री से, इसे निश्चित रूप से जल्द जो है इसे वापस लेने का काम करें। चारधाम यात्रा को किस प्रकार से हम लोग बेहतर करें, इस बात को लेकर जो आज हमारी टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक थी, और इसमें राज्य सरकार द्वारा जो है थोपा कार्यक्रम हमारे सामने आ रहा है, पैनिक बटन के नाम से एक योजना है। उस योजना का जो पूर्व में बात आ रही थी कि 2,500 रुपये, अब बात आ रही है कि सामने प्रकाशन के माध्यम से आया कि 15,000 रुपये हर गाड़ी को लगवाना अनिवार्य होगा। तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार को जो है इस चारधाम यात्रा 2019 के अंदर इसे मुफ्त लगाना चाहिए, ये गिफ्ट देना चाहिए सरकार को तमाम मोटर व्यवसायियों को, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे कि मोटर व्यवसाय लाइफ लाइन है। अगर उत्तराखंड के अंदर अगर व्यापार है तो मैं समझता हूँ चारधाम यात्रा से पहले भी और चारधाम यात्रा के बाद भी जो व्यापार है वो मोटर व्यवसायी का है, और मोटर व्यवसायियों के जो शोषण की प्रणाली ये ब्यूरोक्रेसी ने अपना ही रखी है इस उत्तराखंड के अंदर, खास तौर से हमने देखा कि चारधाम यात्रा जब भी प्रारंभ होती है कोई ना कोई फार्मूला ऐसा निकाल के ब्यूरोक्रेसी लाती है कि ये जो हमारे टूर एंड ट्रैवल व्यवसायी हों चाहे मोटर व्यवसायी हों, ये इनका उत्पीड़न कैसे हो, इनका खून कैसे चूसा जाए, इनको शोषित कैसे किया जाए, इनकी चारधाम यात्रा कैसे प्रभावित की जाए, ये कोई ना कोई टेक्निकल ऐसा प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं कि चारधाम यात्रा को जो चारधाम यात्रा जो हम लोगों ने अच्छी करनी होती है, हम सपने लेकर चलते हैं कि चारधाम यात्रा में हम तीर्थयात्रियों को त्रिजुकी फ्री कराएंगे, हम ये फ्री कराएंगे, हम वो फ्री कराएंगे, हम सब भूल जाते हैं। अब ये पैनिक बटन योजना आ गई, तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए। परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, यशपाल आर्य जी से, कि इसे संज्ञान में लेना चाहिए। ये 2019 का जो क्या नाम है हमारी चारधाम यात्रा है, इसको पैनिक बटन को हमारे को जो है इसको मुफ्त निःशुल्क लगाना चाहिए गाड़ियों के अंदर। इसके लिए हमने चिंतन मंथन किया है और आपके माध्यम से सरकार से हमारा एक सूत्रीय मांग है कि इसको निःशुल्क किया जाए 2019 के अंदर। यदि अगर सरकार इसे नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर व्यवसायी जो हमने टूर एंड ट्रैवल व्यवसायी और मोटर व्यवसायी हम लोग चक्का जाम भी करेंगे, और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना जो विरोध करते हैं निश्चित रूप से अगर आवश्यकता पड़ेगी तो विरोध भी किया जाएगा।